हम आरती संपन्न करेंगे, उसके बाद समर्पण स्तुति होगी। बहुत दिनों से कभी भी एक इच्छा रहती है कि मेरे पास मेरे परम पूज्य सद्गुरु से मैं एक ही प्रार्थना करता हूँ। यहाँ आने वाला साधक, आपके गुरु मंत्र को अनुभव करने वाला साधक कभी असमर्थ न समझा जाए। और असमर्थता वो है कि जो अपने परिवार को चला नहीं सकता, अपने परिवार को अपना जीवन भी चलाने के लिए उसको कष्ट उठाने पड़ते हैं, उसे असमर्थता आ जाए। और सामर्थ्यवान वो है अपने परिवार को चलाते हुए और चार लोगों को सहायता करते हुए गुणों का दान, अन्न दान, विद्या दान, वस्त्र दान कर सके अपने सामर्थ्य पर, उसे सामर्थ्यवान कहा गया है। आज माँ भवानी के सामने, क्योंकि परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने यहाँ माँ के सामने अपने को आकर्षित करने का एक मौका दिया, आप सभी लोग अपने जीवन में एक बार निश्चय कर लो कि हम भी सामर्थ्यवान अपने परिवार को चलाते हुए 10 लोगों को वो सारा दान करेंगे जिसे वस्त्र दान, विद्या दान, अन्न दान और इस शिविर का दान। शिविर का दान ही विद्या दान या ज्ञान दान कहा गया है। जिसने इस शिविर को संपन्न किया अपने जीवन में, वो 7 पीढ़ियों के उसके घर में मूर्ख पैदा नहीं होगा या असमर्थ पैदा नहीं होगा, ऐसा कहा गया है। और वैसे ही आप सामर्थ्यवान बने, यही इच्छा रखता हुआ माता भवानी के चरणों में अभी मैंने प्रार्थना की है। जितने भी साधक यहाँ आए हैं उनकी इच्छा पूर्ण करना, और उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए एक भवानी गुटिका मैं उन साधकों को देता हूँ जो लोग अपने दिल पर हाथ रखे करेंगे कि हमारे जीवन में हम एक बार जरूर साधना शिविर बनाएंगे, हम सामर्थ्यवान जिएंगे और हमारे पति पत्नी के साथ 4 लोगों को अन्नदान, 4 लोगों को विद्यादान करने का सामर्थ्य, पैसा, धन, ऐश्वर्य संपन्न हमें प्रदान करो, ऐसा भवानी माता के चरणों में प्रार्थना करके गुटिका मेरे पास से ले जाएंगे, भवानी गुटिका, और उनके जीवन में करेंगे और वह गुटिका मुझे गुरु पूर्णिमा पर समर्पण करेंगे। निश्चित रूप से कहता हूँ कि आप अगली गुरु पूर्णिमा तक शिविर करने में सामर्थ्यवान होंगे, अपना परिवार अपनी इच्छाएं पूर्ण करते हुए आपकी इच्छा पूर्ण हो, ऐसा ही आशीर्वाद देता हूँ। अभी पहले आरती संपन्न होगी, उसके बाद समर्पण स्तुति होगी, उसके बाद मैं भवानी गुटिका दूंगा। जिनको यह करना है कि हम हमारे जीवन में एक बार शिविर करेंगे, हम हमारे परिवार को तो चलाएंगे चलाएंगे, साथ में वह सब गुरुकारी गुरु जी कहा करते थे, एक शिविर करना 7 जन्मों को अपने जीवन के अपने पितरों को उनको सभी लोगों को मुक्ति दिलाने के बराबर है, सारे ऋणों को मुक्ति दिलाने के बराबर है। यही बात पहली बार शिविर में गुरु जी ने मुझे कही थी और मैं आपको कह रहा हूँ। आप याद रखो कि अभी असमर्थ मत जियो, और कभी रोते हुए मेरे सामने नहीं आना, हंसते हुए आना, प्रसन्नता के साथ आना, सामर्थ्यवान बन के आना, यही मेरी इच्छा रखता हुआ माँ भवानी के चरण में यही प्रार्थना करता हूँ कि आपको भवानी गुटिका दो और आप सामर्थ्यवान शिविर करने के लिए फिर यहाँ आए। आपके परिवार को तो आप सामर्थ्यवान बनाएंगे बनाएंगे, साथ में 10 लोगों को लेकर चलने की शक्ति रखेंगे, ऐसा सामर्थ्यवान शिष्य मैं चाहता हूँ, ऐसा ही जीवन में होना चाहिए। आशीर्वाद देता हूँ, पहले आरती संपन्न होगी। आने के बाद उनको ये लगा कि हमें अश्वमेध यज्ञ करना है और अश्वमेध यज्ञ के लिए पैसा चाहिए, धन चाहिए, कैसे करें। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज, रावण की श्री लंका जलने के बाद वो सब पिघल कर समुद्र में चले गई, जिसको हनुमान जी ने अपने पूंछ के साथ जला दिया था, और रावण के राज्य में सभी लोग रोज सोने की थाली में खाना खाते थे। जब लंका जल गई, सारे लोग मारे गए, तो वो सोने की थालियां पूरे समुद्र में गिरा दी गई। धर्मराज, तुम चाहते हो कि अश्वमेध यज्ञ हो तो किसी को भेज दो और उस समुद्र से वो स्वर्ण और सोना लेकर आओ, अश्वमेध यज्ञ करेंगे। जैसे ही यह बात रामचंद्र जी के साथ थे, थोड़े वानरों ने भी सुनी और वो रामचंद्र जी से पहले ही भाग कर चले गए और वहाँ से स्वर्ण लाए। स्वर्ण जब लाकर वो लाए तो ये वो यहाँ भाग कर हुए आए और उस स्वर्ण को यहाँ छुपाया। छुपाने के बाद बहुत राक्षसों ने कष्ट पहुँचाने लगे, तब माता भवानी की स्थापना यहाँ की गई और माता भवानी से प्रार्थना की गई कि जो धर्म मार्ग पर चलता है केवल उसे ही स्वर्ण प्राप्त हो और उसको इस सुख का उसको सुख प्राप्त हो, ऐसा कहा गया। तो जो भवानी गुटिका लाकर मेरे सामने खड़े रहेंगे और गुरु पूर्णिमा के दिन में सौंप देंगे, मैं इस नृत्य के बाद उस स्तोत्र को बोलूंगा जो धर्मराज ने यहाँ माता भवानी के पास दुर्गा का स्तोत्र किया था। गुटिका आपके हाथ में रख लो और जो भी इच्छा है आप बोल लो, छोटी छोटी इच्छाएं तो गुरु पूर्णिमा तक पूर्ण हो जाएगी।
और बाकी अगर बहुत बड़ी इच्छाएं हैं, बच्चा होना है तो गुरु पूर्णिमा तक तो नहीं होगा, 9 महीने के बाद होगा, ऐसी इच्छा तो गुरु पूर्णिमा तक ही होगी। संतान हो और दूसरी कोई इच्छा हो जिसका समय के अनुकूल होगी, तो उस गुटिका को आपके पास रख लो, मैं स्तोत्र पढ़ूंगा। आपको मुझे कोई कुछ पूछने की कोई शंका समाधान करने की कोई आवश्यकता नहीं, केवल भवानी गुटिका को आपके हाथ में रख लो, माता भवानी को नमस्कार करो, मैं स्तोत्र पढ़ूंगा। लेकिन इस नृत्य के इस भजन के बाद आप सब लोग भवानी गुटिका हाथ में रख लो और आपकी इच्छा बोलो। काम होते हैं अपने लिए तो जीते ही जीते, अपने तो सुख में जीते ही जीते, अपने के साथ दूसरों को जीने की क्षमता रखते हैं। एक बार दिल में इतना बोल लो कि प्रभु हम सामर्थ्यवान जीवन चाहते हैं, ऐसा जीवन कि रोकर पीड़ा कर भिक्षा मांगकर जीने का जीवन नहीं, ऐसा जीवन हम चार लोगों को देंगे, हम भी सुखी रहेंगे, दूसरों को भी सुख प्रदान करेंगे, हम भी दैव कार्य करेंगे और दूसरों को भी दैव कार्य करने के लिए उद्यत करेंगे, हम भी धर्मबद्ध होकर जिएंगे और दूसरों को भी धर्मबद्ध जीने की कला सिखाएंगे, हम भी न्याय करेंगे और दूसरों को भी न्याय दिलाएंगे, इसे धर्म कहा गया है। और ये धर्म और ये सामर्थ्य हमारे में हो, हमारे ऊपर कोई भी अन्याय के साथ, हमारे ऊपर कोई भी अधर्म के साथ हमारे ऊपर चोट करेगा तो उसके ऊपर चोट जरूर करेंगे, उसे नहीं छोड़ेंगे, ये सामर्थ्य हमारे में प्राप्त करो जो हमारे देवी देवताओं के पास था। हमारा ऐसा कोई सनातन धर्म में देवी देवता नहीं है जिसके हाथ में अस्त्र शस्त्र ना हो। क्यों वो अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं? क्योंकि इस पृथ्वी पर रात और दिन जिस प्रकार है, सुख और दुख उसी प्रकार है, कष्ट और दुख भी सुख भी उसी प्रकार है, न्याय और अन्याय भी उसी प्रकार है। जहाँ अन्याय हुआ वहाँ हमें न्याय की कामना करना हमारा कर्तव्य है, न्याय से रहना, न्याय दिलाना ये हमारे में चाहिए, और ये न्याय दिलाने के लिए केवल सामर्थ्यवान पुरुष ही दे सकता है। अपने जीवन को नहीं तो अपने आने वाले सारी पीढ़ियों तक भी एक सामर्थ्यवान जीवन प्रदान करने की कला को कहा गया है। भगवान धर्मराज नहीं, पांडवों के धर्मराज ने जब भवानी माता के पास आए और वो जो स्तोत्र यहाँ मराठी में बोलते थे, मराठी में इस संस्कृत स्तोत्र को मराठी में बोला गया है, वही स्तोत्र मैं आपके सामने अभी बोल रहा हूँ। गुटी का हाथ में रख लें और आपको मैंने जैसा कहा है सामर्थ्यवान जीवन की प्रार्थना करें, मैं जीऊँ, मेरा परिवार जिए और मैं 10 लोगों को जीने की कला सिखाऊँ, 10 लोगों को लेकर चलने की क्षमता में रखूँ, ऐसा जीवन प्रदान करो माँ भवानी, ऐसा बोलो। श्री गणेशाय नमः, श्री दुर्गाय नमः, नगरांत प्रविष्टे पंडरीनाथवदी दुर्गास्थान धर्मराज परिस्थान जगदम्बे जय जय नमः, जय जय दुर्गे भुवनेश्वरी यशोदा गर्भ संभव कुमारी इंदिरावरण सहोदरी नारायणी चंडिकम्बिके जय जय जगदम्बे विश्वकुटुंबिनी मूलस्फूर्ति प्रणवरूपिणी ब्रह्मानुभवदायिनी चिद्विलासिनी अम्बिके दु जय जय धराधर कुमारी सौभाग्यगंगे धर्मसुंदरी हेरम्बजननी अंतरिक्ष प्रवेशित वाम के भक्त हृदयारविंद भ्रमरी कृष्ण कृपावली निर्धारी अतिमूल निर्माधवरी काव्यरचना करी विजय कृपावलोकन करी गर्भांदासी यदि नैन पांगोल करी लिखम गुरु बंदे गावनी जन्मादार जो मुका हो वाचस्पति समान बोलिका तू स्वानंद सरोवर मनाली गांव होशी भाई पास प्रसन्न ब्रह्मांडे आज नहीं तो बीच नौका पर निस्तर भव सिंधु उल्लंघनी निरुति दरा जय जय आन कुमार के जय मूल बिठाई के सरल सौभाग्य दाई के जगदम बिके मूल प्रवृत्ति जय भार्गव प्रिय भवानी के हर्ष के भक्त और रायनी सुभद्र कार्य हेमन गणनी गुरु सुंदरी महामाय जय अन्न का सार मनाल के पद्म ने दुर्गा भाव दुर्गा भू हर्ष के सर्व भाग्य मुरानी शिवान सकन कर के जय जादु चंपक कल के शुंभन शुंभ दैत्यांत के निजय पाल के अपर ने तव शोभा दे हिंदु कुल के जय रोनी ब्रह्मा देव बाले प्राणी स्वान सत्य जीशु जीशु कमी वाले अंबे तो निर्मित को दुखे स्वरूप जी जीवन के मुनि पर लावर देश जी स्वाद के तुम लोग नित्य उसान पर धाता है तुझे कृपे ने जन्म मिले हुए पंच भूतान सा मिले तमाम दशा ब्रह्मांड वाले इच्छा पर प्राप्त कर क्षण ही मत दर्शन अनंत बाला से मिटा ऊपर मान की लाए लगोनी सकल सौभाग्य शुभ कल्याण रमा रमण वर प्रदेश जय शंकर पर वो त्रैलोक के नगर आनंद स्तंभ है आदि माए आत्म प्रेम से कार्य में बोल बुद्धि जय करण अमृत सरदे भक्त वाले कौन भक्ति अनंत ब्रह्मांड भरा मिले आदि माए अन्न को नहीं संचितान बड़ो रूप में सबसे राज्य राज्य में सर्वस्थित तेन कारण भूमोतनी ब्रह्मानंद एक धर्माचे स्तंभ दुर्गा धारी प्रसन्न मणि तुझे शत्रु सहानी धारी स्थापित धर्माते तुम वास पर आए थे गौरव ने जानते शत्रु क्षय बहुत ही समस्त सुखद गुतम आवे तुम जो स्तोत्र के लिए पुण्य के लिए काल कति पढ़ना चाहिए सर्व काम पूर्ण स्तार क्षण कर भाई इसी श्री दुर्गा दुर्गा देवता ने ओ जगदम विश्ववारिणी माता की आप इस कुटिका को रख लो, गुरु पूर्णिमा तक आपके पास रखने का जो भी इच्छा है बोलो और गुरु पूर्णिमा के दिन कि मेरे को लागे दो, आपकी सारी कामनाएं पूर्ण हो, आपकी गुरु पूर्णिमा तक ऐसा ही आशीर्वाद देता हूँ। आप सभी को गुरु पूर्णिमा को आओ मैंने कहता क्योंकि आप शिष्य है, आपका कर्तव्य है गुरु पूर्णिमा को आने का, यही आशा रखता हुआ आज का यह कार्यक्रम यहाँ संपन्न करता हूँ। सब लोग अपने गुरु को प्रणाम कर यहाँ के आयोजकों के हृदय शांसा प्रसाद ग्रहण करके जाएं और माता क्योंकि यहाँ से नागपुर भी दूर है, पूरा जंगल में कैसे जाएंगे मेरे को ही चिंता है, इसलिए जल्दी से इस कार्यक्रम को संपन्न कर रहा हूँ। आप सब लोग अपनी अपनी जगह
माता भवानी को गुड़िका के साथ नमस्कार कर आप पीछा बोलकर गुरु को नमस्कार करके आगे बढ़ते रहें, प्रसाद ग्रहण करें। आयोजक आए, आयोजक कहाँ है, प्रसाद है, बोलो।